आज हम वैसे तो कहीं घूमने नहीं जा रहे, पर जो मन्नत की स्कूल बुक्स है वो लेने जा रहे हैं। और हमारा आ गया है रिजल्ट, वी आर प्रमोटेड, इसका रिजल्ट आ गया तो नाइंथ क्लास प्रमोट होके ये टेंथ में हो गया। तो अब टेंथ की बुक्स लेकर आएंगे, अभी जो नाइन्थ की बुक्स है इसकी उसको हम वहीं देकर आएंगे, वहीं से न्यू बुक्स मिलेगी पंजाबी की बुक मिलेगी। मैं क्या करूं भाई, मन्नत के साथ मेरे को हिंदी बोलनी पड़ेगी। और बस देखते हैं, अब जाते हैं वहां जाके बुक्स लेंगे, और मन्नत खुद परचेज करेगी बुक्स, परचेज भी करेगी और सेल भी करेगी। अब हम इसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, देखते हैं मन्नत खुद बुक्स लेती है या नहीं, क्योंकि मन्नत 10th क्लास तो होगी, अब 10th में होगी, इसको कोई चीज ना खरीदनी आती है ना बेचनी। नहीं, वो साडी मिस्टेक है कि असी कदे इनू ये चीज ली रेडी नहीं कीता हैगा कि मन्नत बाहर जाके कुछ खरीद सके, कुछ जा सके। जिवें 10th क्लास के बच्चे काफ़ी वह होंगे ने कि बाहर जाके अपना समान ले लेंगे ने, मन्नत नहीं कुछ कर पाती, तो हूँ सारी उम्र अगे अगे चलूगी लाइफ में, वो साढ़े से डिपेंडेंट रह जाएगी, तो हूँ इनू असी सेल्फ डिपेंड। मां बुक्स लेगी शॉप पे जाके, अपने आप गल करनी है वो तो कर लूंगी, मैं क्या है झगड़ा कर ली क्या, मैं तो जो हाँ जिस प्राइस में मैंने लिए मैं क्या मुझे उसी प्राइस में देनी है बस। नहीं हाँ उसी प्राइस में दूंगी, मेरी बुक्स ऐसी हैं इतनी सही हैं, ठीक है। वैसे तो जिनसे ली होती है ना बुक्स वही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, स्टैंप लगा के देती है, वो स्टैंप को ला देनी है, कटकड़ानी है, और आपके साथ एडवाइस का भी बुक्स का ही रखती हूं। मुझे नहीं पता इस चीज का इतना। लो जी मन्नत पहुंच गई, अपन अटावे ये आ गई तेरी बुक मार्केट जो भी है 42 की बुक मार्केट है जो देते हैं बुक्स सब किसको, महाजन लास्ट में, मम्मा की जितनी भी मतलब मम्मा ने स्टडी करी है उस जितनी भी उनकी बुक्स होती थी हम यहाँ पे आके जो लास्ट वाली शॉप है ना महाजन, वहाँ पे हम बोट करते थे और वहाँ पे हम सेल कर देते थे। लो जी मन्नत तो खुद करूँगी परचेज और बुक्स न्यू निकला जेम्स का पर वो दे रहे हैं ते मन्नत आज खुद परचेज करूँगी, खुद सेल करूँगी, ठीक है। अब देखते हैं मन्नत बुक्स ले पाएगी या नहीं। लो जी लगी हुई है मन्नत, देखो हम सारी बुक्स मिल दी उतों या नहीं। पुरानी बुक्स ते मार्किंग करी हुई है मन्नत ने, वो थोड़ी घट रेट च लगेगी, मार्किंग क्यों करी थी तूने? वो महाजन ने रखी ही नहीं है, पापा कहते महाजन से नाता तोड़ दिया। महाजन कहता जे पुरानी तुसी सेल दे रहे हो बुक्स वगैरह तो मैं नवीयां नहीं दूंगा, थोनू पुरानीयां ही लेके जानी पैणगी, भी साडे तो कौन लेगा फिर पुरानीयां, जेड़ा महाजन वाले ना असीं पे कर रहे हैं सारे न्यू महाजन वाले कोल सानू आउंदे नू हो गए 8-10 साल कंटिन्यू, तो महाजन वाले ने साडियां बुक्स रख ता लईयां सीगियां ते रेट भी ठीक लाता सी, पर वो कहता भी मैं थोनू इन्हों के बदले च
ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹਮੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨਿਊ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਘੱਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਘੱਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ घर पे रख के वो हम देने लगे हैं, रद्दी है पीछे। तो पापा दे दें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। बिकी है पता कितने दिया हो? हाँ जी 130 रुपीस ओनली। हाँ पापा ने रखने बहुत पैसे हो गए, पर रख लो। नहीं नहीं मैं नहीं रखने ही हूँ। अच्छा मनु तो आया था, मैं आधे के रेट का रखे लोगे, आधे रेट में भरी हुई नोटबुक्स कौन रखेगा भाई। वो उसने लिया किलो के हिसाब से, ये मैंने पूछा नहीं क्या रुपए किलो है, कितने किलो था मतलब हमारे 9 किलो सी गया। अच्छा 9 किलो हूं ला लो तुसी, खुद लगा लेना अब। कितने 1 किलो कितने का भाई? कमेंट तो दस्यो सानू 9 किलो बुक्स है। हां उन्होंने सानू दिया 130 रुपया, तुसी दसो भी ये किन्ने किन्ने रुपए किलो होएगी। हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स के बीच मुझे कमेंट आने चाहिए। पहला मैं कहने आज फिर साग लेके आना है, साग वाले कोल ते, क्योंकि साग दा हुन सीजन खत्म होन लग गया, खत्म होएगा क्या नहीं तो हो गया, अब तो गर्मी आ गई। मिल जावे देखते हैं जाके, हमने वहाँ पे एक ही बार देखा था उस टाइम जब हमने लिया था। कार्तिक तो मम्मा कहते भी 47G में भी साग लेके उठे मशीन ना लेके बैठे होने मंडी के बीच में, जल्दी साग कटवा वहाँ पे भी वो कह रहे थे कि वहाँ पे काट के देते हैं, हमें नहीं पता था, हमने तो जब देखा तब आया था। मोहाली का साग है हत्था ना कटे होता है, जड़ा से चंडीगढ़ मंडी जो कितने भी साग लवाने और चाकू मार कटे आ होंगे, उन्हें गंदला ब्रेक होती है ने बढ़िया नहीं होता, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਲੀ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੰਦਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਾਗ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ। ਨਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਰੂਬੀ, ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਗ ਦਾ, ਲਾਸਟ ਸਾਗ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਨੀ ਹਰੀ ਕਰ ਲਓ ਫੇਰ 6-7 ਦਿਨ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਧੁੰਨੀ ਹਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਜਾਈ ਕਰੀ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਨਲਾਉਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਰੈਡੀ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਮਲ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐ ਸੇ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਰੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਏ ਫਲੋ ਮੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਲਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਲਜਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਮੀ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਗ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ, ਟਿਮ ਹਾਰਡਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਪਤ, ਤੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਗ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਗ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰੂਬੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਮਾ ਗਏ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਮੇਂ ਬੈਠੀ ਹੂੰ, ਦੇਖਤੇ ਮੰਮਾ ਕੋ ਮਿਲਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ।
और वहाँ पे तो मिला नहीं, वहाँ पे अंकल खड़े नहीं थे तो नहीं मिला। उसके बाद मैंने शूट करना मैं भूल गई थी, हम 44 गए, कुछ खाया पिया। उसके बाद अब पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कौन से सेक्टर में, अब हम पता नहीं मंडी आए हैं, फिर देखते हैं आगे, अगर कुछ हुआ तो फिर मैं डाल दूँगी, नहीं तो फिर घर जाके ही ओके बाय बाय टाटा करते हैं। सो स्टे ट्यून गाइस। मेरे ना अब फ्री से शायद अकाउंट मेरा ठीक हो गया तो, बट इतने ज़्यादा व्यूज़ ना जैसे कि मतलब कि पहले वाले मेरे व्लॉग्स को आए हैं, इसलिए शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोगों को आप वीडियो भेज सकते हो उतनों को मेरा चैनल शेयर करो, वो भी मुझे देखें, और आगे से आगे सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़, थैंक यू।